हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? एक्सरसाइज 5.1 शुरू किए हुए 3 दिन हो चुके हैं। मतलब कि 3 दिन पहले आया था उसका वीडियो 5.1 के। हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे, एक्सरसाइज लंबी जा रही थी, वीडियो लंबा हो रहा था, तो उसको पार्ट 1 कहकर हमने छोड़ दिया था। अब एक्सरसाइज 5.1 का पार्ट 2 लेकर आपके सामने हाजिर है। इस एक्सरसाइज में मतलब इस वीडियो में बचे हुए सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जिसकी शुरुआत होगी वो वाला वीडियो खत्म हुआ था 5.1 क्वेश्चन नंबर 2 पर, तो अब अपन 5.1 क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू कर रहे हैं। मेरा नाम है सौरभ अवस्थी और आप सभी लोग हैं विजन सक्सेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का, जिस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। सॉरी, फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन कि भैया जो फॉलोइंग एपीज हैं उसमें जो भी आपकी एपीज दी गई हैं, 4 एपीज हैं 1, 2, 3, 4, उनके लिए आप फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस लिखेंगे। तो सबसे पहली बात तो मेरे बच्चों, थोड़ा सा रिवीजन पे चले जाओ। और अगर आप लोग इस वीडियो में अब जुड़ रहे हो, आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा, तो पहले इंट्रोडक्शन देखें कि हम फर्स्ट टर्म को हमेशा ए से डिनोट करते हैं और कॉमन डिफरेंस को हम हमेशा बी से डिनोट करते हैं। फर्स्ट टर्म क्या होता है? जैसा कि नाम से पता चल रहा है, किसी भी एपी का पहला टर्म, पहला पद, फर्स्ट टर्म प्रथम पद कहलाता है, जिसको स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है। और व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? प्रेडेसर और सक्सेसर, मतलब दो कॉन्जिगेटिव नंबर के बीच का डिफरेंस इज ऑलवेज कॉमन डिफरेंस, जो कि हमेशा अगर एपी गिवन है हमें, तो हर एक नंबर का दूसरे नंबर से, उसके अगले नंबर से अगर डिफरेंस निकाला जाएगा तो वो हमेशा सेम आएगा। कंडीशन क्या होती है? अगर सेम आएगा तभी वो एपी कहलाएगी, अगर वो सेम नहीं आता है तो वो एक एपी नहीं कहलाएगी। चलिए क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन सॉल्यूशन लिखा मैंने और आगे बढ़े। 3, 1, -1, -3, डैश 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 डैश, मतलब ये सो ऑन आगे जाता जाएगा, है ना? तो परेशान नहीं होना डॉट 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 से। 10th क्लास के बच्चे हो तो कुछ चीजें थोड़ी सी अजीब सी लगेंगी। देखिए माइक चालू है, बिल्कुल चालू है। चलिए तो पहला टर्म, मैं जब क्लास में ऑफलाइन क्लासेस में भी लेता हूँ तब भी मैं कहता हूँ, क्या आप अंधे हो? क्या नहीं हो ना? अंधे नहीं हो तो फर्स्ट टर्म तो आपको दिख गया, पहला टर्म फर्स्ट टर्म ए मिल गया है आपको। कॉमन डिफरेंस मैंने बताया था, सक्सेसर प्रेडेसर का डिफरेंस क्या कहलाएगा, दो कॉन्जिकेटिव नंबर का डिफरेंस क्या कहलाएगा? कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या, कैसे निकालेंगे हम? सेकेंड टर्म में से माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म को, सेकेंड टर्म में से माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म को। सेकेंड टर्म हमारा यहां पर क्या है? 1, माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म को 3, क्या आएगा? -2। तो लो साहब, फर्स्ट टर्म मिल गया और हमें यहां पर कॉमन डिफरेंस भी मिल गया। कोई मुश्किल काम है क्या? नहीं साहब, कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आपको ये काम मुश्किल लग रहा है, दैट मीन्स यू हैव सम सीरियस इश्यूज विद योर स्टडीज अबाउट क्या आप आगे फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, उसको लेकर थोड़ा सा फोकस हो जाओ और स्टडीज पर ज्यादा ध्यान दीजिए। सेकंड वाले में देखते हैं, फिर से मैं लिखूंगा सॉल्यूशन। ये चीजें लिखने की आदत डालो भाई, स्टेप मार्किंग होती है बोर्ड्स में। चलिए, हमें फिर से पूछा गया है कि इसका भी फर्स्ट टर्म बताओ, तो क्या आप लोग अंधे हैं? नहीं है सर, नहीं है, तो फर्स्ट टर्म मेरे ख्याल से सभी को दिख गया। फर्स्ट टर्म में कुछ मेहनत नहीं करनी है, जस्ट देखना है। कॉमन डिफरेंस निकालने की कोशिश करेंगे। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। चलिए, सेकेंड टर्म क्या है साहब? -1। अब देखो बेटा, हम माइनस भी लगा रहे हैं, अगले नंबर में भी माइनस है, बीच में भी माइनस होगा, तो जब भी ये मल्टीपल नेगेटिव साइन आ जाए तब आप कोशिश किया करो कि ब्रैकेट्स लगा लिया करो। जब भी आपको एक नेगेटिव नंबर दिखे, प्लस माइनस की होने वाली मिस्टेक से बचने के लिए आप क्या करो, उसमें ब्रैकेट लगाओ। माइनस का 1 मिला था, मैंने ब्रैकेट लगा लिया कि कौन झंझट ले परेशान होने के लिए। फिर सब्सट्रैक्ट करना है मुझे उसमें से फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म भी माइनस में है, तो मैंने फिर से ब्रैकेट लगा दिया। ठीक, क्या आया मेरे पास? यहां आया -1, माइनस माइनस प्लस, तो कॉमन डिफरेंस क्या आया? 5 -1 बोले तो 4। लो साहब, मैंने इसका भी कॉमन डिफरेंस बड़ी आसानी से निकाल दिया। चलिए लाइन खींच देते हैं और ताकि पार्टीशन अच्छे से समझ में आए। चलिए इसके थर्ड वाले पोर्शन पर आते हैं, क्या कहता है? इसमें भी हमें कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म निकालना है, तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए
किस चीज की जरूरत है? दो चीजों की जरूरत है, कभी कभी एक से भी काम हो जाता है। कौन सी दो चीजें या एक से काम हो जाएगा? आंखें। आंखें हैं तो फर्स्ट टर्म दिख जाएगा, फर्स्ट टर्म मुझे दिख गया, 1/3 है। मैं कॉमन डिफरेंस निकालने की कोशिश करता हूँ, क्या होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। मैं सेकेंड टर्म लिखता हूँ दैट इज 5/3 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है दैट इज 1/3। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही बार लिख देता हूं मैं डिनोमिनेटर, ऊपर जो चीज जैसे है वो चीज वैसे आ गई, तो क्या मिलेगा भाई मुझे 4/3। लो साहब मुझे इसका कॉमन डिफरेंस भी आसानी से मिल गया, ये भी आंसर और दो चीजें पूछी थी तो दो आंसर। फोर्थ वाले में आते हैं, मैं वापस से लिखूंगा सॉल्यूशन। क्या पूछा है इन्होंने, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म अंधे तो है नहीं आप और हम, तो फर्स्ट टर्म तो मिल गया साहब, क्या है 0.6। अब हम निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, ध्यान से देखो, सेकेंड टर्म क्या है 1.7 माइनस फर्स्ट टर्म लिखना है, फर्स्ट टर्म क्या है 0.6। चलिए पॉइंट में माइनस करना है, वैसे तो आता होगा पर फिर भी मैं एक बार बता देता हूं, पॉइंट में लिखना हो तो सबसे पहले तो आप नंबर जैसे हैं एज इट इज लिखो। लिखते टाइम बस ये ध्यान रखो कि पॉइंट के ठीक नीचे ही पॉइंट हो, पॉइंट के ठीक नीचे ही पॉइंट हो, जहां पर बैलेंसिंग ना हो वहां पर जीरो लगा देना, पॉइंट वाले में हो जाता है। अब पीछे भी लगा सकते हो, आगे भी लगा सकते हो, जस्ट इसको सिंपल नॉर्मल नंबर्स की तरह सब्सट्रैक्ट कर दो। 7-6 1, 1-0 1, पॉइंट की लाइन में आप फिर से पॉइंट लगा दो। क्या बचा, क्या बचा आपको, क्या क्या बोल रहा हूं मैं, बच्चा लोग क्या मिला आपको 1.1। जाहिर सी बात है, तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर, मैं यहां पर लिखूंगा कि मुझे डी मिला है साहब 1.1। चलिए दैट इज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, वो आपसे कहता है मेरे प्यारे बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, मतलब कुछ आपको नीचे सीक्वेंस ऑफ नंबर, लिस्ट ऑफ नंबर दिया हुआ है और वो पूछ रहे हैं कि बताओ भैया एपी है या नहीं। आगे कहते हैं इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एक एपी बनाते हैं यानी कि ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है ये एक एपी है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो आपको कॉमन डिफरेंस भी निकालना है। अगर एपी है तो कॉमन डिफरेंस निकालना है एंड राइट 3 मोर टर्म्स। एपी है, कॉमन डिफरेंस निकालो और आगे के 3 और टर्म्स लिखकर बताओ। तो मुझे ये सवाल लगता है एकदम वाहिया। पहली बात, अगर ये एपी बनाते हैं तो कॉमन डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है, मैं कॉमन डिफरेंस की मदद से ही पता कर सकता हूं कि एपी बना भी रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, तो मैं जब चेक करूंगा तभी मुझे कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। पर एनसीईआरटी की संतुष्टि के लिए अपन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन। अब मैं चेक करूंगा, क्या चेक करूंगा, मैंने कहा था कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस अगर सेम आए तो हमारा लिस्ट ऑफ नंबर जो है एपी होता है। तो चेक करते हैं क्या है हमारे पास, मैं चेक कर लेता हूं a3-a2 और a2-a1। अगर ये दोनों बराबर आ गए, एक और चेक कर लेते हैं, चार टर्म्स दी हुई है ना, मैं ऐसे लिख लेता हूं, क्या लिख लेता हूं a4-a3 = आना चाहिए a3-a2 के और इजिकल्स टू आना चाहिए a2-a के। a या a1 बात एक ही होती है, फर्स्ट टर्म को आप a या फिर a1 दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। चलो चेक करते हैं, a4 16 a3 8 a3 8 a2 4 a2 4 a1 2, माइनस किया 16-8 8, 8-4 4 4-2 2, क्या ये तीनों इक्वल है, बिल्कुल नहीं है, तो नो इट डज नॉट फॉर्म एन एपी, ये एक एपी नहीं बना रहा है। अगर बना रहा होता तो हम डी लिखते और 3 और टर्म्स निकालते, ये नहीं बना रहा है। फॉर योर जनरल नॉलेज जीके के लिए मैं बता दूं कि ये बना रहा है जीपी। कभी मैथ्स में अगर अच्छी पढ़ाई करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हो तो आपको एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इस सीक्वेंस के अलावा और भी सीक्वेंसेस होते हैं वो मिलेंगे,
एक और होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसमें क्या होता है, बेसिकली एपी में सीधे सीधे आपके नंबर बढ़ते या जुड़ते जाते हैं, जीपी में क्या होता है नंबर्स मल्टीप्लाई और डिवाइड होते जाते हैं। ये जीपी है 2 2 into 2 4 4 into 2 8 8 into 2 16 16 into 2 32 13 2 into 2 64, वो ऐसा चलता रहेगा, ये जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। चलिए अब अपन सेकेंड वाला चेक करते हैं। सबसे पहले तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन और लाइन खींचकर सेपरेट कर देंगे साहब। लो साहब, डब्बा बना दिया हमने। चलिए सबसे पहले तो हमारे पास जो कुछ भी है हम वो लिखते हैं। क्या है, वी हैव जो नंबर्स हैं उनसे हम पहले उन दोनों सारे नंबर्स के बीच का डिफरेंस चेक करते हैं। चेक करने के लिए क्या करेंगे, a4 minus a3 a3 minus a2 और a2 minus a1। A4 है 7/2 - 3, फिर आया 3 - 5/2, फिर 5/2 - 2, ठीक है। चलिए 7/2 क्या होता है, 3.5, 5/2 क्या होता है 2.5, 5/2 क्या होता है 2.5, तो 3.5 में से 3 गया 0.5 बचेगा, 3 में से 2.5 गया क्या बचेगा 0.5 बचेगा, 2.5 में से 2 गया तो क्या बचेगा 0.5। सारे के सारे डिफरेंसेस सेम आए हैं तो मैं लिखूंगा यस, इट फॉर्म्स एन एपी। ये एक एपी बना रहा है, इक्वल है तो एपी बना रहा है। वेयर, जहां पर आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है 0.5। अब नेक्स्ट नहीं, कैसे बोला है क्वेश्चन है, थ्री मोर टर्म्स, तो मैं लिखूंगा थ्री मोर टर्म्स। कोई ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं है, 7/2 हमारा जो एपी है पहले तो वो लिखो 2 5/2 3 7/2। अगला टर्म क्या होगा, 7/2 में 0.5 को 1/2 भी बोलते हैं, है ना, तो 7/2 में 1/2 जोड़ दूंगा तो मैं क्या होगा 8/2 यानी कि 4, 4 में 1/2 जोड़ूंगा तो क्या होगा 9/2, 9/2 में 1/2 जोड़ूंगा तो 10/2 यानी कि 5। ये मेरे थ्री मोर टर्म्स मुझे, मैंने और लिख दिए, मैंने एपी के साथ ही लिख दिया है, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको भी बात समझ में आ गई होगी और आप ऐसे आंसर लिखेंगे तो चेक करने वाले को भी बात समझ में आ जाएगी। कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है, पर हाँ थोड़ा हॉच पॉच जरूर हो गया है, तो अगर देखने में दिक्कत आए तो वीडियो पॉज करके एक बार जूम इन करके देख लेना, आजकल तो फीचर है। चलिए थर्ड वाला करते हैं। मजेदार बात बताऊं, अभी तो ऐसे चार कर रहे हैं हम, ऐसे एक्चुअली में इस क्वेश्चन में 16 है, 16 शोला करते हैं भैया, इसमें भी चेक करते हैं डिफरेंस अगर सेम आएगा तो एपी होगा। चलो निकालते हैं a4 - a3 a3 - a2 और a2 - a1। A4 है -7.2, मैंने कहा था देखो माइनस आएगा तो एक काम करना ब्रैकेट लगा लेना, मैं लगा लेता हूं -5.2, फिर -5.2 में से माइनस करना है मुझे 3.2, और फिर -3.2 में से मुझे माइनस करना है क्या -1.2। चलो देखते हैं क्या आता है, -7.2 माइनस माइनस प्लस का हो गया 5.2, यहाँ क्या सीन हुआ -5.2 माइनस माइनस प्लस हो गया 3.2, इधर था -3.2 माइनस माइनस प्लस हो गया 1.2, ठीक है। -7.2 प्लस 5.2 यानी कि -2.0 यानी कि 2, यहाँ पर भी -2 यहाँ पर भी -2, अरे तीनों सेम आ गए हैं, तीनों सेम आ गए हैं तो क्या लिखूंगा मैं, यस It forms an AP, जहां पर where आपका common difference कितना है साहब -2। अब क्या करना है, अब उन्होंने कहा है कि भैया पता करो, क्या करो
पता करो थ्री मोर टर्म्स, तो मैं लिख लेता हूं थ्री मोर टर्म्स, तीन और टर्म्स निकालने की कोशिश कर रहा हूं। मैं वैसे पूरी एपी नहीं लिख रहा हूं, आगे के थ्री मोर टर्म्स लिख रहा हूं। माइनस 7.2 था हमारा पिछला टर्म, उसमें माइनस 2 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 9.2, इसमें वापस से माइनस 2, माइनस 11.2, इसमें वापस से माइनस 2, माइनस का 13.2। मेरे हिसाब से कोई मुश्किल होगी नहीं आपको। अगर आपको कहीं पर किसी पॉइंट पर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में टाइम स्लॉट के साथ भी डाल सकते हैं कि सर इस टाइम पर आपने क्या किया वो समझ में नहीं आया, या और कोई समस्या हो तो आप मुझे खुलकर बताएं। मैं आप लोगों से बात करते करते टाइम पता है अपनी ही जगह पर बार बार गोल गोल घूम जाता हूं। चलिए यहां पर वापस से वही चेक करना है, काम वही है, क्या है वी हैव, हम चेक करते हैं a4 - a3, a3 - a2, a2 - a1। कंडीशन तो यही होती है कि सब सेम आना चाहिए, सबका डिफरेंस चेक कर लेते हैं। a4 - a3, a3 माइनस का है तो ब्रैकेट लगा दिया, a3 माइनस का है, a2 भी माइनस का है ब्रैकेट लगा दिया, a2 माइनस का है, a1 भी माइनस का है फिर से ब्रैकेट लगा दिया। क्या आया माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 + 2 = 4, -2 + 6 = 4, -6 + 10 = 4, सारे के सारे डिफरेंसेस सेम आ गए, बिल्कुल आ गए। तो मैं क्या लिखूंगा, यस इट इज एन एपी, ये एक एपी है। और यहां पर डी क्या है, वेयर डी इज इक्वल्स टू 4, डी भी निकल गया। अब क्या निकालना है, थ्री मोर टर्म्स कैसे निकलेंगे भाई, 4 है ना हमारा कॉमन डिफरेंस, 4 ऐड होता जाना है, लास्ट नंबर 2 था तो आगे का टर्म क्या होगा 2 + 4 = 6, और आगे का 6 + 4 = 10, और आगे का 10 + 4 = 14। मैंने 3 मोर टर्म्स आपको निकाल कर दिए हैं। अच्छा अभी खत्म नहीं हुआ है, चौथा है, इसके बाद 16 तक जाना है, तो अपन करेंगे मेहनत, ठीक है। चौथे तक कर लिया था, फिफ्थ मैंने कहा था 16 है, फिफ्थ वाला 6, 7, 8, चारों एक बार में करने की कोशिश करेंगे बोर्ड पर। चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्व करते हैं, क्या आदत बन गई है। सबसे पहले लिखो वी हैव, क्या निकालेंगे, a4 में से a3 और a3 में से a2 और a2 में से a1, सबके बीच का डिफरेंस निकालने की कोशिश करेंगे। आगे वाले नंबर में से पीछे वाले नंबर को माइनस करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मेरा एक सवाल, क्योंकि मुझे यहां पर 2√2 ये दिख गया है, एक बेसिक सवाल, क्या आप कोई ऐसा गाना जानते हैं, क्या आप कोई ऐसा गाना जानते हैं जिस गाने में लिरिक्स में ये वर्ड इस्तेमाल, ये नंबर इस्तेमाल होता हो 2√2? क्या आप ऐसा कोई गाना जानते हैं जिसके लिरिक्स में 2√2 इस्तेमाल होता है? ठीक है, क्वेश्चन मैंने बता दिया है, इसका आंसर मैं वीडियो के लास्ट में जरूर दूंगा आपको। और अगर किसी को मालूम है तो टाइम स्टैम्प के साथ अभी डाल दे, मतलब जब आप वीडियो देख रहे हैं तो इस टाइम स्टैम्प पर ही डाल दें, बिना वीडियो को पूरा देखे मत डालना, वो तो चीटिंग हो जाएगी। सवाल फिर से, ऐसा बॉलीवुड का हिंदी सॉन्ग, ऐसा सॉन्ग चाहिए जिस सॉन्ग के लिरिक्स में आता हो 2√2। चलिए अब आते हैं अपन सवाल पर, क्या माइनस करना है, सब कुछ माइनस ही तो करना है। क्या है a4, क्या है 3 + 3√2, माइनस करना है a3, यानी कि 3 + 2√2। देखो माइनस आया, दो नंबर्स एक साथ है तो भी ब्रैकेट लगाओ, जरूरी है। a3 क्या है 3 + 2√2, माइनस करना है उसमें से सेकंड टर्म 3 + √2, ब्रैकेट लगाओ। फिर a2 3 + √2 में से माइनस करना है फर्स्ट टर्म, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है इससे, लेकिन हाँ ठीक है,
उससे माइनस करना है, मैं सॉरी अंडर रूट टू लिख दिया मैंने, थ्री लिखना है। चलिए कोशिश करते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे सबसे पहले, तो थ्री प्लस थ्री अंडर रूट टू माइनस थ्री माइनस टू अंडर रूट टू हो जाएगा, माइनस दोनों में पहुंच जाएगा, यहां पर क्या होगा थ्री प्लस टू अंडर रूट टू माइनस थ्री प्लस माइनस माइनस अंडर रूट टू, यहां माइनस थ्री से प्लस थ्री कैंसिल, यहां बचेगा अकेला अंडर रूट टू, मतलब ए टू माइनस ए वन तो अंडर रूट टू है, बाकी सब भी अगर अंडर रूट टू आ गए दैट मीन्स, बाकी सब भी अगर अंडर रूट टू आ गए दैट मीन्स आपका ये एपी है। देखिए आ रहा है सर, थ्री माइनस थ्री, थ्री माइनस थ्री, थ्री अंडर रूट टू माइनस टू अंडर रूट टू, अकेला रूट टू, थ्री अंडर रूट टू। देखो कैसे करते हैं, मैं मान के चलता हूं कि आपको आता है, फिर भी बता देता हूं, जब भी ऐसा कुछ मिले ना तो याद रखो भाई केला, क्या याद रखना है केला, आप अंडर रूट टू को मन में केला मान लो, क्या मान लो केला, तीन केले थे माइनस हो गए दो केले, तीन केले थे दो केले खाली है, कितने केले बचे, अकेला एक केला बचा ना, तो भाई वही फंडा है, तो तीन केले माइनस दो केले बचा एक केला, इधर दो केले माइनस एक केले बचा एक केला, और इस गरीब के पास तो पहले से ही एक केला ही था, सबके पास एक ही केला होना चाहिए, एक से ज्यादा केले ठीक गंदी बात। चलो अपन इधर रहते हैं, क्या कह रहा है साहब ये अंडर रूट टू, हाँ तो जो पूछा था उसका जवाब तो मिल गया, यस इट इज एन एपी, ये एक एपी है, वेयर जहां पर आपका कॉमन डिफरेंस क्या है साहब अंडर रूट टू। अब हमें क्या निकालना है, थ्री मोर टर्म्स, थ्री मोर टर्म्स निकालते हैं, देखो पहला था थ्री फिर रूट टू जोड़ा, फिर दो बार रूट टू जोड़ा, फिर तीन बार रूट टू जोड़ा, अगली बार क्या होगा चार बार रूट टू जोड़ेगा, अगली बार क्या होगा पांच बार रूट टू जोड़ेगा, अगली बार क्या होगा सिक्स टाइम्स अंडर रूट टू जोड़ेगा। बेसिक सी चीज है यार भाई, मेरे हिसाब से इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो यहां पर आते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्या कहता है, सबसे पहले हम लिख देते हैं वी हैव, और वी हैव का मतलब है कि हम यहां पर निकालने वाले हैं ए फोर माइनस ए थ्री इक्वल है कि नहीं ए माइन ए थ्री माइनस ए टू के, और ये भी इक्वल है कि नहीं ए टू माइनस ए वन के, ए वन बोले तो फर्स्ट टर्म, ए टू बोले तो सेकेंड टर्म, ए थ्री बोले तो थर्ड, ए फोर बोले तो फोर्थ टर्म। चलिए फोर्थ टर्म क्या है 0.222 माइनस थर्ड टर्म 0.222, थर्ड टर्म 0.222 माइनस सेकेंड टर्म 0.22 माइनस इक्वल्स टू सेकेंड टर्म 0.22 माइनस जीरो, थोड़ा सा मैं फंसा के लिख देता हूँ 0.22 माइनस 0.2। चलिए माइनस करके बताएं, करते हैं भैया रफ में कर लेते हैं, मेरे पास तो रफ के नाम पर बहुत सारी जगह है। सबसे पहले मैं माइनस कर रहा हूं चार बार टू में से 0.222, मैंने कहा था जब पॉइंट वाला सब्सट्रैक्शन करते हैं तब क्या करते हैं ध्यान क्या रखना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, और जहां पर बैलेंसिंग की आपको कमी दिखे वहां पर आप क्या करेंगे एक्स्ट्रा जीरो लगा लेना, कोई मसला नहीं रहता। तो यहां नहीं हो रहा था, जीरो लगा दिया, जीरो लगा दिया, जीरो लगा दिया। चलो सब्सट्रैक्ट करते हैं, टू माइनस जीरो टू, जीरो 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 जीरो, इधर क्या आया टू माइनस जीरो, बाकी सब टू माइनस जीरो टू होता है, और इधर क्या आया चुड़ुम 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 चुड़ुम, तो मुझे तीनों के डिफरेंसेस तो मिल गए। पहले मैं लिखूंगा उसके बाद बात करूंगा, क्या आया पहले 0.0002 इज इक्वल्स टू में 0.002 इज इक्वल्स टू में आया 0.02, क्या ये लोग इक्वल हैं एक दूसरे के, नहीं है। इक्वल ना होने की कंडीशन में क्या होता है साहब, क्या होता है इक्वल ना होने की कंडीशन में होता है कि हम लिख देते हैं नो एट Does not form an AP. अब ये AP बनाता ही नहीं है तो कॉमन डिफरेंस होगा ही नहीं, कॉमन डिफरेंस मालूम ही नहीं होगा, है ही नहीं तो मालूम कैसे होगा, और अगर कॉमन डिफरेंस नहीं है तो थ्री मोर टर्म्स आप नहीं बना सकते हो। हाँ थका दिया, फालतू के सवाल है पर क्या करें, मजबूरी है, सिलेबस कंप्लीट करवाने का नाम पर कूटो। चलो सॉल्यूशन,
सेवेंथ वाला कर रहे हैं, अभी सेवेंथ पर पहुंचे हैं, 16 है बाबू। चलो इसमें भी वही किचर पांद, A4 माइनस A3 इज इक्वल्स टू आना चाहिए A3 माइनस A2 के इज इक्वल्स टू आना चाहिए A2 माइनस A1 के। आ गया तो काम बढ़ेगा, नहीं आया तो काम नहीं बढ़ेगा। चलिए A4 है -12 माइनस A3 भी माइनस में है तो ब्रैकेट लगेगा, A3 -8 माइनस A2 पहले से माइनस में है तो ब्रैकेट लगेगा, A2 माइनस का 4 A1 बोले तो शून्य, जीरो, निल बटे सन्नाटा। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और -4 -0 -4, इधर भी -4 साहब, इधर भी -4 और साहब इधर भी -4, तो मैं क्या लिखूंगा, यस इट इज एन एपी। ये साहब क्या है, एक एपी है, जहां पर वेयर आपका कॉमन डिफरेंस क्या है साहब, अभी आपने निकाला -4। अब अगर एपी होता है और कॉमन डिफरेंस आप निकालते हो तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपको निकालना रहता है 3 more terms। चलो देखो क्या हो रहा है, 3 more terms में हर बार -4 ऐड होता जा रहा है, 0 में -4 -4 -4 -4 -8 -8 और -4 -12 -12 और -4 -16 -16 और -4 -20 -20 और -4 -24। चलो 3 more terms भी निकाल दिए, एट वाला करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आधा मटेरियल तो हो जाएगा। उसके बाद वी विल डिसाइड कि मुझे पूरे 16 करवाने हैं कि आप लोगों को कुछ होमवर्क दे देना है। देखते हैं भैया वीडियो की लेंथ पे पता चलता है। अरे ये तो मजाक है सर, एक ही नंबर बार बार लिख दिया है, ये तो एपी हो ही नहीं सकता है। नहीं साहब देखना पड़ेगा कैसे, A4 माइनस A3, A3 माइनस A2, A2 माइनस A1, -1/2 माइनस -1/2। क्यों आया भैया, डिफरेंस निकालने के लिए एक माइनस और नंबर में पहले से माइनस था। चलो मैंने लिखा, लिख दिया, क्या होगा, -1/2 +1/2 -1/2 +1/2 -1/2 +1/2, भचाक 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 भचाक, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, 0 0 0। आपको आश्चर्य होगा लेकिन साहब तीनों का डिफरेंस सेम है, भले ही जीरो है तो क्या होगा, डिफरेंस सेम है, डिफरेंस सेम है तो क्या होगा, हाँ ये भी है, इट इज एन एपी। लग रहा है कि विश्वास नहीं होगा आप लोगों को, रुक जाइए बाबू, लगेगा कि आपको विश्वास नहीं होगा कि ये एपी है कि नहीं है, लेकिन ये एपी है। अगर ये एपी है तो इसका कॉमन डिफरेंस आपने निकाला, लिखना पड़ेगा वेयर डी इज इक्वल्स टू, जो दो आंसर्स मांगता है उसमें से एक आंसर तो मिल गया हमें डी, आगे क्या मांग रहा है वो, 3 more terms। क्या मांग रहा है, 3 more terms। क्या होंगे अगले 3 more terms, भाई जीरो वाला है और ये तो वही के वही रहेंगे 3 more terms। बात समझ में आई कि नहीं आई, यहां से एक चीज कंक्लूड होती है कि अगर कॉमन डिफरेंस जीरो हो तो आप सीक्वेंस जो बनाओगे उसमें सेम ही नंबर बार बार चलता रहेगा, सेम ही नंबर बार बार चलता रहेगा, कॉमन डिफरेंस जीरो होगा और आप कोई सा भी टर्म उठाओ वो हमेशा सेम ही रहेगा। आगे आएंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 8 कर लिया है 9th से। बहुत मेहनत करवाते हो यार तुम लोग, बहुत मेहनत करवाते हो। कोई आवाज लगा के बोल दो कि सर इतने सारे क्वेश्चन रहा करें तो एक जैसे वाले होमवर्क दे दिया करो, साला बेकार चीज है साला, फ्री में भी छोड़ो। चलो फिर से जागो मोहन प्यारे, आपको सीक्वेंस ऑफ नंबर दिया हुआ है, पता करना एपी है कि नहीं है, तो पता करने के लिए आप क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालने की कोशिश करेंगे। कैसे करते हैं, पता करते हैं, वी हैव A4 माइनस A3, A3 माइनस A2 और A2 माइनस A1, अगर ये तीनों बराबर आ गए तो एपी है। चलो 27 है A4, थर्ड टर्म है 9, थर्ड टर्म है 9, सेकेंड टर्म है 3, सेकेंड टर्म है 3, फर्स्ट टर्म है 1,
27 में से अगर 9 गए तो क्या बचेगा? 18. 9 माइनस 3 6, 3 माइनस 1 2. क्या ये इक्वल है? बिल्कुल नहीं. अगर इक्वल होते तो एपी होता, इक्वल नहीं है तो मैं क्या लिखूंगा? नो नो, इट इज नॉट एन एपी. टेंथ वाले पर आते हैं भैया, इधर चेक करते हैं कैसे. वैसे ही ए फोर माइनस ए थ्री, ए थ्री माइनस ए टू और ए टू माइनस ए वन. ए फोर क्या है? 4a. माइनस करना है ए थ्री, क्या है? 3a. ए थ्री क्या है? 3a. ए टू क्या है? 2a. 2a और ए वन क्या है? a. चलो माइनस करते हैं. फिर 4a माइनस 3a. तो अगर दिक्कत होती है ऐसे हम सब्सट्रैक्शन करने में, टेंथ क्लास में हो, आप छोटे हो, कोविड के कारण सेवेंथ एट अच्छे से पढ़ा भी नहीं होगा, आते हैं ज्यादा स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस हो गई थी, तो ट्रिक बता रहे हैं. अभी पहले भी बताई थी, अभी भी आपके साथ ऐसा कुछ हो ना तो आप केला केला याद रखो. चार केले थे, तीन केले खा लिए, कितने केले बचे? एक केला. तीन केले थे, दो केले खा लिए, कितने केले बचे? एक केला. दो केले थे, एक केला खा लिए, कितने केले बचे? एक केला. तो डिफरेंस सेम आया तो मैं क्या लिखूंगा? यस, इट इज एन एपी. ये एक एपी है, जहां पर वेयर कॉमन डिफरेंस कितना है साहब आपका? ए. कॉमन डिफरेंस कितना है? ए. चलिए, और इसके बाद क्या निकालना रहता है? थ्री मोर टर्म्स, और आगे की तीन टर्म्स चाहिए. क्या थी हमारी टर्म्स? ए टू ए, थ्री ए, फोर ए. आगे की टर्म क्या होगी? फोर ए प्लस ए 5a. आगे की टर्म 5a प्लस a 6a. आगे की टर्म 6a प्लस a 7a. लो साहब, मैंने दोनों तो कर दिए. आगे इधर देखते हैं क्या है साहब. देख लेते हैं साहब, देख लेते हैं, देख लेते हैं. अच्छा तो लग नहीं रहा है, पर करेंगे. क्या करेंगे? वही करेंगे जो बार बार कर रहे हैं, जो करते करते थकने लगे हैं अब. a4 माइनस a3, a3 माइनस a2 और a2 माइनस a1. चलिए, a4 क्या है? a टू द पावर 4. a3 क्या है? a टू द पावर 3. a3 क्या है? a टू द पावर 3. a2 क्या है? a टू द पावर 2. फिर a टू द पावर 2 माइनस a. यार ये तो पॉलिनोमियल्स आ गए, पावर्स हैं इनकी, कैसे सब्सट्रैक्ट करोगे? चलो कुछ करने की कोशिश करते हैं. इन दोनों में एक क्यूब कॉमन है, ले लेता हूं. क्या बचा? a माइनस 1. इधर क्या है? a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, a माइनस 1. इधर क्या होगा? मैं a ही कॉमन ले लेता हूं तो आ जाएगा a माइनस 1. क्या ये तीनों इन एनी केस बराबर होंगे? नहीं होंगे साहब, बराबर नहीं है. मतलब नो, इट डज. देखो मैं थक गया हूं तो मेरी राइटिंग भी बहुत गंदी होने लगी. इट डज नॉट फॉर्म एन एपी. ये एक एपी नहीं बनाता है. चलो यहां आते हैं, यहां चेक करते हैं. सबसे पहले तो ना मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ी सी परेशानी है. मैं इस तरह से करने की बजाय मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा. कैसे सिंप्लीफाई करूंगा? क्वेश्चन नंबर 12 को मैं सिंप्लीफाई करूंगा. अंडर रूट 2 को तो मैं अंडर रूट 2 ही लिख दूंगा. अंडर रूट 8 को मैं क्या कर सकता हूं? प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से 2 2 का पेयर बना के बाहर अकेला अंडर रूट 2. अंडर रूट 8 को मैं 2 अंडर रूट 2 लिख सकता हूं. अंडर रूट 18, अंडर रूट 18 बोले तो क्या होगा? 9 इंटू 2, 9 बाहर निकल आएगा, 3 अंडर रूट 2 हो जाएगा ये, 3 अंडर रूट 2. और ये हो जाएगा 16 इंटू 2 यानी कि 32. 16 रूट बाहर निकल गया 4. तो मैं इसको ये मान के चल रहा हूं. मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई किया. क्या रूट 2, 2 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2 एंड 4 अंडर रूट 2. मेरे को ऐसा लगता है कि आपको ये बात समझ में आई होगी. अब मैं डिफरेंस निकालने की कोशिश करता हूं. अगर सेम आ गया डिफरेंस तो यार ये तो क्वेश्चन किया है अपन ने. जरा देखू मैं, ये क्वेश्चन हमने जस्ट अभी हाल थोड़ी देर पहले ही तो किया था. बिल्कुल किया था. नहीं 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 नहीं, उसमें प्लस था अंडर रूट, प्लस था उसमें अंडर रूट. चलो
क्या हो रहा है, मैं निकालूंगा ए फोर माइनस ए थ्री इज इक्वल्स टू ए थ्री माइनस ए टू इज इक्वल्स टू ए टू माइनस ए वन। ए फोर 32 रूट में था, उसको मैंने 4 अंडर रूट 2 सिंप्लीफाई किया, ए थ्री 3 अंडर रूट 2, ए थ्री 3 अंडर रूट 2, ए टू 2 अंडर रूट 2, ए टू 2 अंडर रूट 2 और ए वन इज ओनली अंडर रूट 2। चलिए करते हैं, चार केले थे, एक केला खा लिया, क्या बचा, सिंगल केला। तीन केले थे, दो केले खा लिए, क्या बचा, सिंगल केला। दो केले थे, एक केला खा लिया, क्या बचा, सिंगल केला। क्या बचा, सिंगल केला। तो डिफरेंस सब सेम है ना, तो मैं लिख सकता हूं यस इट इज एन एपी। ये बिल्कुल है एक एपी, जहां पर आपका कॉमन डिफरेंस क्या है, वेयर कॉमन डिफरेंस इज अंडर रूट टू। लेकिन सवाल आपके कॉमन डिफरेंस पर आकर शांत थोड़ी हो रहा है, सवाल आपसे कह रहा है कि भैया और निकाल कर दो, क्या थ्री मोर टर्म्स। तो थ्री मोर टर्म्स क्या होंगे, देखो रूट टू, टू रूट टू, थ्री रूट टू, फोर रूट टू, यानी कि अगला टर्म होगा फाइव अंडर रूट टू, अगला एक और रूट टू जुड़ जाएगा सिक्स अंडर रूट टू, अगला टर्म एक और जुड़ जाएगा सेवन अंडर रूट टू। लेकिन सवाल तो सर ये थोड़ी था, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म आपने बनाया था, सवाल तो ये था। तो याद रखना बच्चों मेरे प्यारे, जिस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन दिया हो कोशिश करो आंसर भी उसी फॉर्मेट में निकालने की कोशिश करेंगे। तो मैं इसको इसी तरह से कंप्लीट रूट में बनाने की कोशिश करूंगा। जब हम 25 रूट में होता है तो बाहर निकाल कर क्या लिख देते हैं, 5। तो अगर ये 5 रूट में जाएगा तो क्या होगा, अंडर रूट 25, अंडर रूट 25 हो जाएगा, ये 25 इंटू 2 50, 6 अंडर रूट जाएगा तो 36, 36 इंटू 2 72, 7 का रूट 7 का स्क्वायर 49, अंदर जाके वो 49 होगा, 49 इंटू 2 98। तो ये साहब आपके थ्री मोर टर्म्स भी आप लोगों को मिल गए, 12 तक कर लिया है, 13 पर हम वापस से आ रहे हैं। 13 क्या कह रहा है आपसे, 13 कह रहा है आपसे कि नंबर्स हैं आपके ये सिंप्लीफाई हो सकते हैं क्या, कोशिश करते हैं। अंडर रूट 3 कुछ नहीं हो सकता, अंडर रूट 6 कुछ नहीं हो सकता, अंडर रूट 9 हो जाएगा ये, और अंडर रूट 12 क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट 3, कुछ भी नहीं हो सकता साहब ये तो। चलो पर मैथ से भैया देखकर कुछ नहीं होता, करके बताना पड़ता है। हम निकालेंगे ए फोर माइनस ए थ्री, ए थ्री माइनस ए टू और ए टू माइनस ए वन। ए फोर क्या है, 2 अंडर रूट 3, सिंप्लीफाई करके भी कोशिश कर ली। ए थ्री क्या है, 3 माइनस ए टू बोले तो अंडर रूट 6, ए टू बोले तो अंडर रूट 6 माइनस ए वन बोले तो अंडर रूट 3। ना ये सब्सट्रैक्ट हो सकते हैं, ना ही ये सब्सट्रैक्ट हो सकते हैं, ना ही ये सब्सट्रैक्ट हो सकते हैं, मतलब यही फाइनल रिजल्ट है। और ये तीनों रिजल्ट्स इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, दैट मींस नो इट डज नॉट फॉर्म एन एपी। ये एक एपी नहीं बनाता, बराबर होते तो एपी बनता। 14th वाला क्वेश्चन देखेंगे, चलिए क्या कहता है आपसे 14th क्वेश्चन। पहले तो मैं सुधारूंगा, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। नाउ हम चेक करते हैं, वी हैव ए फोर माइनस ए थ्री बी, ए थ्री माइनस ए टू और ए टू माइनस ए वन। चेकिंग करते हैं, ए फोर कितना, 49, ए थ्री 25, ए थ्री 25, ए टू 9, ए टू 9 और ए वन 1। सब्सट्रैक्ट किया, 49 माइनस 25 24, 25 माइनस 9 16, 9 माइनस 1 8। कहीं से भी ये बराबर है क्या, नो सर बिल्कुल बराबर नहीं। तो मैं क्या लिखूंगा, नो इट डज नॉट फॉर्म एन ए
अच्छा हाँ, मुझसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। मैं बीच में बोल रहा था कि 16 क्वेश्चन है, 16 16 बोल रहा था, 16 16 नहीं है, 15 है, तो मैंने 16 बोला ही नहीं था, मैंने बोला था शो। क्या बोला था मैंने? शो बोला, आई लिटरली सेड 16, शो बोला, 16 नहीं। तुम तो लोगों को समझ में नहीं आया हो तो जाके ना, एक पुरानी फिल्म है बादशाह, शाहरुख खान साहब की, तुम लोग तो पठान वाले हो लेकिन फिर भी बादशाह जाके देखना। तो शो ला, शो बोला, बोला शो, सब समझ में आएगा। चलो ये है, एक नजर में तो लग रहा होगा कि एक नजर में भी प्यार होता है, मैंने सुना है, समा रंगीन सा लगने लगता है, कोई दिल पिछड़ा जाए तो ऐसा होता है, मैंने सुना है। चलिए, मैंने सिंपलीफाई किया है यार बाबू, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 73 73। चलिए मैं निकाल रहा हूं क्या, a4 माइनस a3, a3 माइनस a2 और a2 माइनस a1। a4 बोले तो 73 माइनस 49, फिर 49 माइनस 25, फिर 25 माइनस 1। चलिए 73 माइनस 49, 13, 13 माइनस 9, 4 6 6 माइनस 4 2, 24, 49 माइनस 25, 24, 25 माइनस 1, 24। देखने में नहीं लग रहा था पर है, तो मैं क्या लिखूंगा अब, चूंकि मेरे पास जगह है तो मैं थोड़ा साइड में चले जाता हूँ, मैं लिख देता हूँ यस 8 फॉर्म्स एन एपी। ये एपी बनाता है जहां पर, वेयर आपका जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज 24। चलो दो आंसर निकाल लेते हैं, पहला आंसर निकल गया, दो आंसर क्या, कॉमन डिफरेंस निकालने के बाद हम निकालते हैं 3 मोर टर्म्स, 3 मोर टर्म्स। तो ठीक है, 73 में 24 जोड़ दो, 73 प्लस 24, 4 3 7 2 9, 4 3 7 2 9, फिर 97 में 24 जोड़ दो, 97 प्लस 24, 7 4 11 की 1, कैरी गया 1, 9 प्लस 2 1 11 प्लस 1 12, फिर इसमें भी 24 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 145 145। चलो 3 मोर टर्म्स भी हमने निकाल लिए। अब मैं कुछ भूला नहीं हूं, मुझे याद है मैंने वीडियो के बीच में आपसे एक सवाल पूछा था कि एक ऐसा बॉलीवुड हिंदी सॉन्ग बताओ जिसके लिरिक्स में आता हो 2√2, तो वो गाना है ये काली काली आंखें 2√2 2√2, ये गोरे गोरे गाल। यकीन ना आए तो यूट्यूब पे तो पढ़ रहे हो ना, जाके वीडियो ये वाला गाना सुन लेना। वो लिटरली कह रहे हैं, अनु मलिक साहब ने म्यूजिक दिया है, शाहरुख खान की फिल्म का गाना है, बाजीगर मूवी का नाम है, गाने में लिटरली बोला जा रहा है काली काली आंखें 2√2 2√2, ये गोरे गोरे गाल 2√2 2√2। तो मुझे नहीं पता कि भी ध्यान नहीं है कि किसने इसका लिरिक्स दिए थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है उस व्यक्ति ने बचपन में मैथ्स पढ़ी थी एंड ही गॉट इरिटेटेड बाय मैथमेटिक्स, वो बहुत परेशान हो गए थे। चलिए जोक्स अपार्ट, 5.1 आपकी एक्सरसाइज 5.1 यहां पर खत्म होती है। वीडियो एंड करने से पहले जो यहां तक वीडियो को यहां तक देख रहे हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करें। अब यहां तक पहुंचे हो तो वीडियो अच्छा ही लगा होगा, तो लाइक करें और जो कुछ भी अच्छा लगा है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। प्लस एक बात और कि भैया वीडियोस अच्छा है, सब्सक्राइबर आ रहे हैं, सब आ रहा है, लेकिन मुझे ये पता चला, मैं वो यूट्यूब स्टूडियो पर देख रहा था कि ना अब वो ऑडियंस रिटेंशन करके कोई चीज होती है, थोड़ी सी कम जा रही है। तो जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो पूरा देखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमें आपके सपोर्ट सहयोग मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए, लाल बटन दिख रहा है दबाकर ग्रे कीजिए, और लोगों से भी सब्सक्राइब करिए, करवाइए अपने सारे दोस्तों को जो क्लास 10th में, उनको ये वीडियो सेंड कीजिए और सपोर्ट करते रहिए। कल मिलेंगे छोटे से शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद।